तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स कोई और चोर नहीं है जो दबे पांव स्कूल में चोरी करने गया था, लेकिन रंगे हाथों पकड़ा गया और फिर जमकर पिटाई हुई। दरअसल मुरादाबाद जनपद के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर गांव के पास नेशनल हाईवे किनारे बने आयुष इंटर कॉलेज में रात्रि के समय एक चोर चोरी के इरादे से घुस गया। जैसे ही चोर ने चोरी करने का प्रयास किया तो आयुष इंटर कॉलेज में रात्रि के समय ड्यूटी कर रहे तैनात चौकीदार संजय कुमार ने चोर को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। चोर ने जैसे ही भागने का प्रयास किया तो संजय कुमार चौकीदार ने उसे एक रूम में बंद कर स्कूल संचालक को फोन कर जानकारी दी। मौके पर पहुंचे संचालक और अन्य कर्मचारियों द्वारा चोर की पकड़ कर जमकर मारपीट कर पुलिस को सूचना देकर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोर के साथ मारपीट का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मुंडा पांडे पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए चोर को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर अभियुक्त के पास से अवैध तमंचा बरामद कर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। मेरे पास में जो मेरा चपरासी है विद्यालय में रहता है उसका फोन गया, मतलब एक चोर पकड़ लिया हमने, पुलिस को बुला लिया मैं आप आ जाओ, मैं आया, मैंने आकर देखा उसे पकड़ रखा था और मारने की कोई वीडियो ऐसी नहीं है जो बनी होगी, उसे पता नहीं क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मारा तो उसे नहीं था क्योंकि पुलिस भी थी यहाँ पर, पुलिस ना आती तब तो ये भी था कि पुलिस वालों ने आकर उसे पकड़ा था और तमंचा भी उसके पास में एक बरामद हुआ है। मौके पर सामान सारा बिखरा पड़ा था, सब कुछ किराया भी है उसके साथ, और कौन थे ये क्लियर नहीं हो पाया, पुलिस को बुला कर उसे पुलिस को दे दिया था। अच्छा, उसके साथ अवैधता मारपीट की गई है, उसके पास क्या क्या ऐसा सामान था चोरी का, क्या बताइए मुझे। उसके पास एक तमंचा मिला था और बाकी उसके साथी और थे वो सामान लेकर भाग चुके थे वहाँ से। वहीं आयुष इंटर कॉलेज पर रात्रि के समय तैनात चौकीदार संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वो रात्रि के समय कॉलेज में ही रहकर ड्यूटी करता चला आ रहा है। इसमें रात्रि के समय वह ये चोर स्कूल के पीछे से चोरी के इरादे से घुस आया और उसकी बीबी के कुछ आभूषण भी चोर ने चुरा लिए। जैसे ही चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर भाग रहा था, भागने की आहट सुन उसने चोर को पकड़कर एक रूम में बंद कर दिया। मेरी बीबी की घंटी, मेरे बच्चे की चैन है चांदी की, और मेरी बीबी की चैन है ये तीन चीज गायब है, मेरी एक सोने की दो चांदी की। अच्छा, वीडियो में तो कई सारे लोग उसे मारपीट कर रहे हैं उसके साथ। नहीं, मैं था बात को आए थे ये लोग, मैं मेरा बेटा यहाँ रहते हैं दोनों और मेरी बैग रहती है और कोई नहीं रहता था। पुलिस आ गई थी, बात को आई थी मुझसे। अच्छा, क्या बजे की घटना है ये रात की? ये लगभग 8:30 की घटना है। अच्छा, कैसे कैसे क्या 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 चीज चुराई थी उसने और कैसे आपने उसे पकड़ा था? मैं जब ऊपर आया तो जब बंद देखा मैंने उसको, तो मैंने बाहर तक कुंदा लगा के जब देखा तब जो कूदा था दीवार पर से वो, तब मैंने उसको पकड़ा उसको। और मेरी बीबी की एक सोने की घंटी है मेरी 5 हारों की, और चैन है मेरी बेटी की और मेरी बीबी की, वो गायब है। अच्छा, आप दोनों में खाए? और मैंने पुलिस को फोन करा था, मैं पुलिस वाले को, पुलिस को खुद ले गई है। खींचतानी हुई थी आपकी उसको? हाँ, मेरी उसकी खींचतानी हुई, तो भाग रहा था, भाग नहीं दिया था मैंने। कितने लोग थे वो? मैं तो अकेले पकड़ा, ये नहीं पता कितने लोग थे, कितने कितने गए। अच्छा, क्या कुछ उसके पास असला वसला या कुछ ऐसा था? एक तमंचा बरामद हुआ उसके पास। अच्छा, हाँ, इससे पहले भी कोई घटना इस तरीके की कॉलेज में? कोई घटना नहीं, इससे पहली घटना थी। पहली घटना चोरी की, पूरी घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।